जिग्नेश, आपके नेता ने जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने सुबह बोला था कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इस पे पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होगी। क्या ये सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाएगा या जो लोकल लीडर्स हैं इसको पॉलिटिकल बनाएंगे? देखिए, हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन सच्ची संवेदना ये भी होती है कि आप एक निष्पक्ष जांच की मांग करें। आज इस घटना को इतने घंटे हो गए, कंपनी का एफआईआर में नाम भी नहीं, कंपनी का सीईओ, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का मालिक, उसकी न जांच, न इन्वेस्टिगेशन, न एफआईआर में नाम, न उसकी गिरफ्तारी। एफआईआर के नाम पे लिपापोती हो रही है। क्या गुजरात और इस जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या ये 150 लोगों की जानों की कीमत नहीं? ये सवाल आज पूछना चाहते हैं। नगर पालिका और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, फिर भी ब्रिज खुला छोड़ दिया, किसके कहने पर? कौन से ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व है ये लिन को ये डिटेक्ट करवाने के लिए? चूंकि सवाल तो ये भी है कि कंपनी का पहले इस प्रकार के ब्रिज के निर्माण या ब्रिज के रिनोवेशन का कोई अनुभव ही नहीं था, तो इसी कंपनी को काम क्यों मिला? कौन से भाजपा के नेता के तार इस कांड के साथ जुड़े हुए हैं? भाजपा के कौन से नेता और ब्यूरोक्रेट से इस डील को क्रैक करने में पैसा खाया है? इसकी जांच होनी चाहिए। जिग्नेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आई एम गोइंग टू कट अक्रॉस टू नितिन पटेल, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात। नितिन जी, बात आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होगी, एक कमिटी बैठ गई है, 9 अरेस्ट हुए हैं, पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या ये 9 अरेस्ट तक ही सीमित रह जाएगा? इन्वेस्टिगेशन कहां तक जाएगी सर? क्या जो हम कहते हैं कि विल बिग हेड्स रोल, कॉन्ट्रैक्ट एमसीडी सारी भाजपा के अंदर ही आती है, जो सरकार है, कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने ही दिया है सर, कहां तक जाएगी जांच? नहीं, इंक्वायरी में सब चीजें बाहर आएगी, कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी, रिपेयरिंग की आएगी, मेंटेनेंस की आएगी, किस प्रकार से दिया, वो सब बात इंक्वायरी में बाहर आ जाएगी। आप कह रहे हैं इंक्वायरी में सब कुछ सामने आएगा, पर एक बहुत बड़ा सवाल आएगा, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाएगा, यही गुजरात का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 25 साल में। उस ट्रेजेडी में 75 लोग आए गए, उसकी जांच क्या हुआ? छोटे मोटे कांस्टेबल पीएसआई को ट्रांसफर कर दिया, एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, रेंज आईजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, 12-14 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, उसका प्रूफ का क्या हुआ? करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उसकी जांच कहां जा रही है? जो आपके लिए कन्वीनियंट है, ऐसे अफसर का एसआईटी बना छोटी मछलियों को गिराना और जो बड़ी मछली है, जो कंपनी का मालिक है, उसको छोड़ देना, ये मोरबी, गुजरात और पूरा देश देख रहा है। नितिन जी, पटेल जी, बात सबसे जो जिग्नेश मेवानी ने भी अभी कहा, पर एक बहुत बड़ी बात यही है सर कि क्या ये सिर्फ ओरेवा कंपनी जिसने टेंडर लिया था मेंटेनेंस का, उन्हीं के अरेस्ट तक रह जाएगी? एक सवाल और भी रेज किया जा रहा है जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस रेज कर रही है, आम आदमी पार्टी रेज कर रही है, कि ये जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया चुनाव के बीच, और ये ब्रिज जो फिट नहीं था पब्लिक के को देने के लिए, ये आपने ओके कर दिया गया, इसको फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया? नहीं नहीं, ऐसा कोई फायदा उठाने की बात नहीं है। हमारी सरकार हर साल गुजरात में हजारों करोड़ के विकास के काम, लोगों की सुविधा के काम करती है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हर वक्त इस कामों को लोकार्पित करते हैं और उसका शिलान्यास भी करते हैं। तो ये तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए का काम था, तो इसके लिए कोई चुनाव में काम करना, ऐसा लोगों को दिखाना, ये कोई जरूरी नहीं था। और ये तो नगर पालिका ने तय किया है और ये नगर पालिका ने करवाया था, इसमें गुजरात सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पर पटेल साहब, नगर पालिका तो आप ही के हित में है ना, बीजेपी के अंडर तो आती है नगर पालिका, तो अगर नगर पालिका ने ये डिसीजन लिया है, पर अल्टीमेट डिसीजन तो फिर भाजपा सरकार जो गुजरात की है उन्हीं का ही रहेगा ना सर? नहीं, सभी नगर पालिकाएं सरकार के अंदर आती है, वैसे तो सभी पंचायत भी सरकार के अंदर आती है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी व्यवस्था है, अपना काम सब कर सकते हैं। नगर पालिका खुद की भी जो पावर्स है
ये पावर्स का यूज करके उन्होंने ये 2 करोड़ का काम किया था। वो गुजरात सरकार को उसमें डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं। कहने में ये भी आया है पटेल साहब कि ये आपको एक दुविधा में डाल दिया है, इलेक्शन अभी सिर्फ 1 महीना दूर है, उसके बीच में इतनी बड़ी आपदा हो गई है तो इसीलिए ऐसा एक एक्शन लिया जा रहा है। क्रिटिसिज्म भी आई है पटेल साहब कि जो प्रधानमंत्री हैं आज उन्होंने अपना इलेक्शनियरिंग कैंपेन रैली जारी रखा है और इतनी बड़ी आपदा हुई है, सिर्फ कल ही आ रहे हैं मिलने के लिए। मैंने ये बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संवेदनशील है और उन्होंने कल से ही संवेदना दिखा के रात को ही सब इंतजाम किए थे। भारत सरकार की ओर से मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, नेवी सबकी टीमें उन्होंने रात को ही मुरबी के लिए रवाना करवा दी थी और रात को ये सब आके बचाव कार्य में जुट गए थे। तो ये चुनाव वाली बात नहीं है, ये मानवता की, लोगों की सेवा करने वाली, ये जिम्मेदार सरकार की बात है, ये संवेदनशील सरकार की बात है।